बिटिया जो रघुनाथ जी लिए तुम यहाँ जरा जो ये सफेद स्टॉल डाले इनको भेज दीजिएगा। सीताराम, ओ साधु जी, बहन जी कहाँ से आई आप? माइक से बोलो। सतना से। अच्छा, देखो बिना टोकन नंबर का दरबार बहुत अच्छा है, पूछो क्यों, वरना दो दो साल नंबर आने में लग जाते हैं, इतने टोकन नंबर वेटिंग पे है। ये दरबार बहुत अच्छा है, बालाजी करें हर महीना में हमें आज्ञा दे देवे तो बिना टोकन के कम से कम 100, 200, 500 ही लग जाएंगे, जय जय तो हो जाएगी। और आप लोग प्रार्थना करो कि ऐसा लगत रहे दरबार, बालाजी से करो प्रार्थना। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। तुम सोचो कि हमारी अर्जी नहीं लगी, या अर्जी नहीं लगी तो क्या हुआ, बालाजी की मर्जी तो हो गई, जाओ तुम्हारा काम सफल आज से ही होने लगेगा, आशीर्वाद। अच्छा, जीवन पर्यंत कौन कौन जुड़ना चाहता है बालाजी से? पक्का जोश में कि हांस में? जीवन भर के लिए पक्का? जाओ, आज से आपकी समस्या हमारे सन्यासी बाबा की हो गई। राम 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 राम। आज बागेश्वर धाम पर आज तक के सब रिकॉर्ड टूट गए पागलों के आने के। आज ये देखो, आप लोग अपने टीवी पर देखो, ये आज का अभी का नजारा है, ये देखो अपनी टीवी पर। हाँ बोलो, अब आप क्या पूछेंगी बहन? गुरुजी मैं कुछ नहीं पूछूंगी, बस आपको सब पता है, बालाजी को पूछना तो पड़ेगा। मेरा लड़का बाहर रहता है, अभी 2 साल हुआ उसको गए, शरीर से भी कमजोर बहुत है गुरुजी, जो काम के लिए वो गया है उसमें उसको सफलता मिली। नजदीक आ जाओ, क्या करता है वो? वो IPS की अभी पढ़ो। आपको पेट में दर्द बनता, स्वस्थ रहेंगी, हाँ या ना? जी जी जी। बनता है? जी जी। आराम लगेगा, परेशान ना हो, बेटा जॉब में सफल होगा, सिविल सर्विसेज योग उसका है, आशीर्वाद। जी सर जी, सन्यासी बाबा की, बालाजी सरकार की, बागेश्वर धाम की। उसको भी अपच होती है? जी जी, खाना बिल्कुल नहीं खाता। हाँ, खाता है तो पचता नहीं। हाँ, अपच का मतलब क्या होता है? अपच क्या कहलाती है? नहीं जानती। नहीं जानती अपच? अब हम क्या बता, उल्टी और भोजन जैसे ही करो तो बार बार जावो। हाँ, वही 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 गुरुजी, वही वही गुरुजी, वही। और गुरुजी वीडियो देखती हूँ किसी की, और आपको अगर कोई कुछ बोलता है ना, बहुत गाली लिख के देती हूँ मैं भी, और बोली भी थी परसों कि गुरुजी मैं गाली लिख के दे रही हूँ ना, आप मुझे डांट लीजिएगा, लेकिन आपको कोई बोलता है ना कि सत्य है गुरुजी, आपकी जीत हरदम है, आप सत्य हैं, अपना जो भारत है ना, जो आप चाहते हैं वो होगा गुरुजी। हाँ, मैं सबको गाली दे देती हूँ, वो कितना बड़ा भी नेता होगा अगर आपको बुरा बोलेगा तो मैं गाली लिख के दे देती हूँ। हाँ, कि मेरे सन्यासी बाबा चमीटा मारेंगे पीछे में, तेरे पिछवाड़े में चिल्लाते हुआ आएगा, यही बोलती हूँ गुरुजी। हाँ, बहुत मुझे आशा नहीं थी कि मेरा बुलाव होगा, लेकिन हे बालाजी, हे बालाजी, कुछ नहीं बोलती। खुश रहो बहन, जाओ अब एक बार बालक को लिवा लाना। खुश रहो, एक बार आ चुका है गुरुजी, फर्स्ट बार वो आया है, इस पर्ची के साथ में ले आना। खुश रहो, आशीर्वाद। अब ईर्ष्या के कारण है, जलन है, बाकी हम कवच दे देंगे, ठीक।